जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक केस आया है एयरफोर्स का। एयरफोर्स का एक जवान है जिसको आज 9 दिन से उसके अपने ही अधिकारियों ने बंदी बना रखा है। और उस बंदी बनाने का कारण क्या है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसके परिवार से, उसके माता पिता से, वाइफ से, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और केस क्या था, उस जवान के बच्चे केंद्रीय स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके साथ वहाँ जो प्रिंसिपल है और कुछ अधिकारियों की मैडम जो वहाँ टीचर हैं, उन्होंने उसके बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। और जब इसकी शिकायत उस जवान ने और उसकी वाइफ ने ऊपर की, तो इस केस को दबाने के लिए बोलते हैं ना कि आज न्याय न्याय सिर्फ अफसरों के हाथ में है। अपने आप को बचाने के लिए, उन मैडमों को बचाने के लिए, स्कूल की बदनामी के लिए उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और उसके बाप को 9 दिन से बंद कर रखा है। उसकी वाइफ का एक ऑडियो जो उन्होंने मेरे पास भेजा है, करीबन 5 मिनट का है, मैं चाहता हूं कि इसको आप सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए हमारा साथ दें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये चैनल हमने जवानों के न्याय के लिए खोला है। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो और उसकी आवाज़ को बुलंद करो ताकि ये अन्याय हम रोक सकें। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोगों को भी पता है कि इनकी जो मैडमें हैं वो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट हमारे सैनिकों के साथ भी करती हैं, जो कि सहायक सिस्टम में ये जवानों को जिनको यूज करते हैं। जैसे मैंने एक केस डाला था 226 का, जिसमें वो ट्रेडमैन था, बार्बर था, और उसी पर आरोप लगा दिया सेक्सुअल हरासमेंट का। उसमें 56 जवानों को जेल हुई थी। वो पूरा वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है, करीबन 30 लाख लोगों तक वो वीडियो पहुँचा है। और बाकी का केस चल रहा है 226 का, जो भी जानकारी होगी मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं जवानों में अगर यूं ही एकता नहीं रही तो ये ऐसे ही आप लोगों को खाते रहेंगे। मैडम का ये वीडियो सुने और इसको हमारे देश के गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और एयरफोर्स हेडक्वार्टर तक पहुँचाएँ ताकि उस जवान को वहाँ से न्याय मिल सके। वरना ये उस जवान को मार कूट कर उसकी वाइफ को भी मारा है, उसके बच्चों को भी मारा है, हो सकता है उसको जान से ही मार दें। अगर आप चाहते हो जवान को न्याय मिले, उसकी वाइफ और बच्चों को न्याय मिले और उन भ्रष्ट अधिकारियों को और उनकी मैडमों को एक्सपोज किया जाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो, हाँ जी, बताओ क्या कर रहे थे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर यहाँ पे एयरफोर्स सुलूर में सर जी, मेरे हस्बैंड को जी, जिनका नाम है सार्जेंट एचआर सिंह। क्या नाम है उनका? नाम सार्जेंट एचआर सिंह है सर जी। सर्विस नंबर 786189 जी। एफ उनका ट्रेड है PMSM जी। वो हमारे हस्बैंड 31 तारीख को छुट्टी से घर से आए थे सर जी। जी। और वो ड्यूटी गए 31 तारीख को जी। मॉर्निंग 6:30 में ड्यूटी गए थे। उसके बाद वो ड्यूटी के बाद वो घर में ही आए सर। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमें कहीं से पता चला था, 4 बजे उनको कोई एसएनसी में ले जा रहा था, हमें पता लगा तो मैं वहाँ से भाग भाग के गई किसी तरह। फिर वहाँ पे उनको बुरी तरह मारा पीटा जा रहा था सर, मारा पीटा जा रहा था। मैं गई तो वहाँ पे फिर मेरे को भी पकड़ लिया गया और मेरे को भी हाथापाई करने लगे लोग, हमारे बच्चे को भी हाथापाई करने लगे और उनको पता नहीं कहाँ ले जाके वो किडनैप कर लिए, क्या कर लिए उनके साथ हमें कुछ भी पता नहीं। उसके बाद किडनैप करके कहाँ उनको रख दिया गया है हमें कुछ नहीं पता है। और आज 9 दिन हो गया सर, मैं उनसे ना मेरी बात हो पा रही है ना मैं मिल पा रही हूँ। मैं कितनी बार 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 गार्ड रूम पे जा रही हूँ, जो एयरफोर्स का गार्ड रूम है सर जी, वहाँ पे जा रही हूँ तो हमें
लेडी से खिंचवा के हमारा मारा पीटी करवाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सिविल पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, और कौन है इसमें, उनके अधिकारी हैं, कौन कर रहे हैं उनके? एयर कमोडर एसजी पेन से जी, एयर कमांडर है। और जी, और एयर कमोडो अतुल गर्ग सर, अतुल गर्ग, और ग्रुप कैप्टन मेमन। अच्छा, ग्रुप कैप्टन मेमन। और फाइट दिया है ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट वो सारे अफसर मिलकर उनको प्रेस कर रहे हैं कुछ को। जी सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पी मनोहर एडजुटेंट है, क्या है मुझे इतना पता नहीं है सर। अच्छा, एडजुटेंट होंगे तो बताए नहीं कि किस कारण से, मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों मारा पीटी कर रहे हैं, क्या कारण है? कुछ नहीं बता रहे हैं सर। टी आर अनीस है एक, जो की फाइव बी आई के ओसी एडजुटेंट है, ये सब लोग मिल के हमारे हस्बैंड को कहाँ कैद करके किडनैप करके रखे हैं मैं कुछ मुझे पता नहीं है सर। और मुझे आज तक सर मुझे कुछ मैसेज नहीं मिला है कि कहाँ रखे हैं लोग, क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या मार पिटाई कर रहे हैं, हमें कुछ मैसेज नहीं। ऐसे सर मैं स्पाइनल कोर्ट की पेशेंट हूँ सर जी, जी। और मुझे कैंसर भी है जी। और हमारे बच्चे को 2 महीने से स्कूल से निकाल दिया गया है, टीसी दे दिया गया उसका, हमारे बच्चे के साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ था जी। तो हमने कंप्लेन दिया था और हमारे दोनों बच्चे को 3 दिन चाइल्ड पुलिस उठा के और उनको डॉन बॉस्को में दे दी थी। उसके बाद हमें 4th दिन बच्चा मेरा मिल रहा था सर। अच्छा, तो कंप्लेन किसके खिलाफ भी थी? वो स्कूल के प्रिंसिपल और 3 टीचर थे सर। अच्छा, प्रिंसिपल कौन, वो अफसर है क्या? नहीं, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल है सर, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय पढ़ता है सर। नहीं, कोई अफसर, उनके अफसर कोई मैडम या कोई अफसर वगैरह है क्या उसमें भी? हाँ, एक उसमें एक अफसर की वाइफ है, जो विंग कमांडर मल की वाइफ है, वो भी इसमें शामिल है सर। अच्छा अच्छा। और स्कूल के चेयरमैन बीएमसी जो होते हैं, वो स्कूल के एयरफोर्स के एयर कमांडो जेस पेंसे हैं सर हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा। और वो ये लोग करवा रहे हैं सर, ये लोग, और हमारे बच्चे को टीसी दे दी गई, मेरे बच्चे 2.5 महीने से घर में बैठा हुआ है सर। अच्छा, उसी केस को दबाने के लिए आपके हस्बैंड को मारा पीटी कर रहे होंगे? जी सर, वो इसी केस को दबाने के लिए हमसे प्रेशर दिया जा रहा है, हमारे बच्चे को इसी कारण टीसी दे दी गई है। और गेट पर 2 गेट है सर, एक एयरफोर्स के तरफ से और एक हाईवे है सिविल के तरफ से, दोनों तरफ हमारे बच्चों का टीसी टांग दिया गया है। जैसे कि पहले जमाने में सर कोई गलती करता था तो उसको गर्दन टांग काट के टांग देते थे कहीं चौराहे पे, उसी तरह से हम लोग के साथ यहाँ पे हो रहा है सर। पूरी प्रशासन